की गलती बहुत आगे आते हैं बदलाई से लंबे करके लेकर तो आप उसने आगे आके टैकल नहीं कर सकते। अगर एंगल बेहतर ना हो सामने से अगर ब्लॉक बेहतर ना कर पाए फिलहाल इस समय 12 पॉइंट करीबा और 8 पॉइंट है नर्मदा के लेके में रेट की कमाल लेकिन इस वक्त आशु राजपूत स्टार रीडर इन पे निगाहें रहेगी इस मुकाबले में और दूसरी तरफ बात करें प्रगति सिंह और सपोर्ट रीडर जो है कि 3 नंबर की दूसरी नहीं सर नौली पटेल रेट पे रीवा के लिए देखना होगा इस समय एक तरफ लेफ्ट कॉर्नर 2 नंबर की दूसरी में बात करें त्रिवेणी है राइट कॉर्नर पे मुस्कान लाहिर है साथ में इस समय आशु राजपूत उनके साथ चेन में बहुत ही जबरदस्त मुकाबला आज की शाम का टाइम आउट लिया रीवा ने स्कोर आइए देख ले रीवा 12 पे और दूसरी तरफ नर्मदा के विकेट भी तिमरनी 8 पॉइंट पे 8-12 के स्कोर इन फेवर ऑफ रीवा क्या है आप लोगों का अरे ले लिया ना एक 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 दे दो एक आपके लिए मंगवाया टाइम आउट के बाद इस समय रेड की शुरुआत होती हुई रेड आई है टिमरनी की नर्मदा के विकेट भी ताशो रेड की कमाल लेकर के इस समय 4 नंबर की जर्सी में देखना होगा मुकाबला अभी भी दिलचस्प स्थिति में सामने से ब्लॉक करने की कोशिश बॉडी को टैग किया आखिर छोटे से वैसे पूर्वानुमान पॉइंट मिलेगा 2 पॉइंट नर्मदा के विकेट को नर्मदा खेल अकेडमी टिमरनी 10 पॉइंट पे और रीवा 12 पे दिलचस्प मुकाबला कांटे की टक्कर रीवा वर्सेस नर्मदा के लेकेट में टिमरनी के बीच रेड की कमान 4 नंबर की जर्सी में लेकर के इस वक्त बात करें खुशी तिवारी वापस आए बिना किसी पॉइंट के खुशी और अब रेड की कमान मुस्कान लेकर के मुस्कान इस बीच 4 के डिफेंस में देखना होगा रेड है टिमरनी की रनिंग है टेस्ट की कोशिश इस समय डिफेंस से संयमित होकर के खेलता हुआ इस मैच दोनों टीमों ने मजबूत चुनौती पेश की एक दूसरे को बात करें सिर्फ इसी बीच से 2.5 पेड इस मैच देखना होगा थर्ड पेड लेकर के 4 नंबर की सस्ती के खिलाड़ी ने बाकी ने इस वर्ष खुशी 10-12 का स्कोर फासला से 2 पॉइंट का है देखना होगा इस मैच टैकल किया और खूबसूरती से पहले एंकल पे गए छीन लेकर आए लेफ्ट कॉर्नर से ब्लॉक किया खूबसूरती से अब फासला सिर्फ 1 पॉइंट का रीवा का एक वक्त 6 पॉइंट की लीड थी टिमरनी की वापसी होती हुई सुपर टैकल और है ताशु रेड पे सब सुपर टैकल दोनों टीमें ऐसी मजबूत टीमें हैं कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे हाफ टाइम का स्कोर यह है इस वक्त 11 पॉइंट पे टिमरनी 12 पॉइंट पे दूसरी तरफ रीवा जिला 11-12 का स्कोर फासला 1 पॉइंट का 1 पॉइंट की लीड ज्यादा मायने नहीं रखती एक हाफ का खेल से शो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद लाइव चला रहे हैं कौन आ गए आप सब हेलो हाफ टाइम स्कोर रिवर्स इसलिए वर्सेस नर्मदा के लिए
रीवा डिस्ट्रिक्ट हैज स्कोर 12 पॉइंट्स, नर्मदा के लिए गवर्नमेंट टेम्पररी हैज स्कोर 11 पॉइंट्स, रीवा डिस्ट्रिक्ट लीडिंग बाय मार्जिन ऑफ 1 पॉइंट। मध्यांचल के बाद मैच बारह बोला है ये अंतिम मैच है। इसके बाद हमारी छोटी सी ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम लगा है, उसके बाद सभी खिलाड़ी बस के माध्यम से भोजन व्यवस्था तक पहुंचेंगे। तो काफी सन्नाटा है एक बार सभी मिलकर, क्योंकि बजरंग बली ने हमारा साथ दिया, बजरंग बली का जयकारा लगाएंगे सब अपने पूरी पूरी ताकत से। ये अंतिम मैच है, कल के मैच दोबारा से खेले जाएंगे। तो एक बार जोरदार जयकारा बोल बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बिल्कुल अंकित भैया ने रोमांच से सब वापस आराध्य देव कबड्डी के हमारे बजरंग बली के जय घोष के साथ दूसरे हाफ की शुरुआत हुई है। मुस्कान बाहर है, वेट की कमाल लेकर के जबरदस्त मुकाबला काटे के चक्कर देखने को मिल गई है। सुख उठेकर ऑन है, हाफ टाइम से पूर्व वापसी की है नर्मदा के विकेट पे ने। 11-12 का स्कोर, सिर्फ एक पॉइंट की लीड है रीवा की। दोनों टीमों के पास एक साथ खेलने का काफी अनुभव भी है, एक दूसरे की मजबूती और कमजोरी से भी भली भांति परिचित है। बलॉन रेड की कमान दो समय के जोर से मिले करके इस समय रीवा की रेड है। हाफ टाइम के बाद कोर्ट बदला है, क्या तस्वीर बदल पाएगी? बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ दोनों टीमों के दरमियान। जो टीम जीतेगी संभावनाएं बरकरार रहेगी आगे क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल और भी सफर तय करने की, यानी कि यहां गलतियों की गुंजाइश नहीं है। वापस गए बिना किसी पॉइंट के, हमारा बहुत ही अनुभवी ऑफिशियल पैनल इस समय मैच को ऑफिशिएट करते हुए डॉक्टर गुलबाल खान सर, सुनील ठाकुर जी, पुष्पेंद्र जी पांडे, ये थ्रू अलाई मैंने से पीछे समय थर्ड बेट लेकर के 10 नंबर की जर्सी में बात करें रीवा के लिए शिवानी रेड पे है। एक तरफ मुस्कान राइट कॉर्नर पे चेन लेकर आए, पूरा दर्शक देखा रोमांचित हो उठा है क्योंकि होम टीम के सपोर्ट में अद्भुत टैकल किया मुस्कान ने। टेक्निकल पॉइंट मिल गया है, यानी कि गलतियों की गुंजाइश मैंने कहा था मैंने नहीं है। और अंकित जोशी जी के गुस्सा वाजिब है, एक पॉइंट से कई बार हमने, याद कीजिए आप मुकाबला जो एक पॉइंट से टीम ने गवाया था वहां पे सब जूनियर में, यानी कि बड़े मुकाबलों में एक एक पॉइंट बहुत मायने रखते हैं। सुख उठेगा रवान है, देखना हमारे सब एक्साइट टीम की कोशिश। इस समय मुस्कान ने दोनों टीमें बराबरी पे 13-13 पॉइंट दोनों टीमों के। आज की शाम का सबसे रोमांचक मुकाबला आखिरी खिलाड़ी रीवा के लिए 6 नंबर की जर्सी में रेड लेकर के देखना होगा इस समय किस तरीके से शुरुआत करते हैं। साथ का पूरा फुल हाउस, जबरदस्त मुकाबला, दर्शक कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो चले हैं। देखना होगा इस समय आखिरी 5 सेकेंड्स रेडर के लिए, रेडर के लिए थोड़ी सी मुश्किल की स्थिति। ऑल आउट की तरफ इस समय रीवा जिला, जबरदस्त मुकाबला देखिए, हर मैच से अलग मुकाबला है। पिछला मैच जबलपुर के खिलाफ भले ही टीम गवा कर आई है, लेकिन इस मैच में एक अलग रणनीति से 16-13 के स्कोर अब पहली बार लीड में आ गई है नर्मदा खेले क्वार्टर फाइनल राउंड। 16-13 पॉइंट पे है रीवा जिला, 16-13 के स्कोर। जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ, कई बार सागर की लहरों की तरह उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लाइव नहीं है, एक भी चलाई चलाई रोमांचकारी क्षण देखने को मिलते हैं।
अब मेन ट्रेनर इस समय निभाते थे लवली पटेल रेड की कमान लेते थे उस समय 16-13 का स्कोर एक फेवर ऑफ नर्मदा के विकेट की चिमरती स्थानीय टीम इस समय लेकिन बढ़िया कार्य किया निभाते थे बहुत से कराए लवली पटेल 14-16 का स्कोर 2 पॉइंट की लीड में इस समय नर्मदा के विकेट की देखना होगा काशु राजपूत ब्रेक पे एक तरफ लवली पटेल दूसरी तरफ कांसी पटेल दोनों इस समय कॉर्नर संभालते हैं रीवा के लिए साथ में 6 में इनके बड़े कोशिश इस समय राइट कॉर्नर के पास बोनस लेकर गए ऐसे भी बोनस के सहारे नर्मदा के विकेट में 17 पे 14 पॉइंट पे रीवा ने स्प्रिंग 17-14 यानी 14-17 इन फेवर ऑफ नर्मदा के विकेट में चिमन्नी और अब 3 नंबर की जर्सी में ब्रेक की कमान लेकर के लवली पटेल लगातार दूसरा बोनस है ये बेहतरीन कार्य करते हुए अपनी टीम के लिए स्कोर देखें 15-17 का 2 पॉइंट के लीड में समय नर्मदा के विकेट में बहुत ही जबरदस्त मुकाबला आज के शाम का ये मुकाबला लंबे समय तक आपके मनोमस्तिष्क में रच बस जाने वाले क्षण है देखना होगा एक बार फिर से मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिवादन कांटे की चक्कर इस देखने को मिल रही है वापस के इसी बीच इस समय रेडर ताशु राजपूत बिना किसी पॉइंट में 15-17 का स्कोर इस समय 4 नंबर की दृष्टि में रेड की कमान लेकर खुशी तिवारी देखना होगा इस समय खुशी तिवारी निभा के लिए दोनों कॉर्नर एक तरफ 8 नंबर की जर्सी में प्राची पटेल दूसरी तरफ लवली पटेल इस समय रीवा के लिए डिफेंस में बात करें अभी तक के ज्यादा आजादी नहीं दी है आखिर 5 सेकंड के लिए वापस के और अब रेड की कमान लेकर के समय लवली पटेल ज्यादातर रेड के उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेकर रीवा की 15-17 का स्कोर इस समय नर्मदा के विकेट में 2 पॉइंट की लीड में रेड की कमान इस समय लेकर के लवली पटेल साइड की टीकों से बड़ा शिकार किया राइट कॉर्नर मुस्कान को बाहर भेजे बेहतरीन फुटबॉल देखने को मिला ये 2.5 रेड है 3rd रेड लेकर के इस समय काशु राजपूत बढ़िया खेला है ताशु ने इस समय जहां पे लवली ने राइट कॉर्नर को बाहर किया था वहीं पे लेफ्ट कॉर्नर को ताशु ने बाहर किए रीवा के यानी दोनों स्टार रेडर ने अपनी भूमिकाएं बेहतरीन तरीके से अदा की है और अब 3 नंबर की दृष्टि में रेड लेकर के एक बार फिर से लवली पटेल धावा कर रहे हैं लेकिन क्या धावे में दम है अंपायर बड़ी अनुभवी अंपायर की टीम हमारे और जी हाँ बड़ा शिकार काशु राजपूत नहीं वापिस आऊंगा इस समय रेड लेकर के लगातार रोमांचक स्थिति में और दर्शक भी पूरे तन्मयता से मैच का आनंद लेते हुए काशु इस समय कोशिश पूरा मैदान रोमांचित हो उठा है एक एक खेल एक्शन एक एक क्षणों को बड़ी ही तन्मयता से आनंद देते हुए 18 पॉइंट पे नर्मदा के विकेट की 16 पे रीवा